हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिता कैश किचन में। तो आज हम बनेंगे आलू भुजिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको हम बनाते कैसे हैं। और यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज की आलू उबाल के ले ली हैं, इसके छिलका उतार लिए हैं। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, तो कट करने से हमें पीसने में आसानी होगी, इसलिए हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लें मिक्सी की जार और इसमें हम आलू को डाल लेंगे। तो आपके पास बड़े वाले, जैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो बड़े वाले मिक्सी की जार ले लीजिए, तो हमारे एक ही बार में यहाँ पे आ जाएगी, या तो दो बार करके ग्राइंड कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम सिर्फ 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर रहे हैं, तो पानी यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा न डालें, नहीं तो ज़्यादा गीली हो जाएगी, फिर बनेगी नहीं। और यहाँ पे हम जो है आलू को ग्राइंड करके ले लिए हैं, यहाँ पे मिक्सी के बाउल में यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे, कुछ इस तरीके से आलू को खूब बढ़िया से पीस लीजिएगा। और यहाँ पे 1 कटोरी हमने बेसन ले लिए हैं, तो बेसन को हम पहले से छान के रख लिए थे छन्नी से, तो जब भी बेसन यूज करें ना तो छन्नी से छान लीजिएगा। और यहाँ पे हम चावल के आटे ले लिए हैं, जो हम घर में चावल बना के खाते हैं ना, उसी चावल को हम मिक्सी में डाल के पीस लिए थे, तो वही चावल का आटा ले लिए। इसे क्या होगा ना, खस्ता बनेगी बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे काला नमक ले लिए हैं 1 चुटकी करीब, और स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक डालिएगा। यहाँ पे आधी चम्मच करीब हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, आधी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर। तो आपको जैसे ज़्यादा तीखी पसंद हो तो ज़्यादा लीजिए, कम पसंद हो तो कम लीजिएगा। और यहाँ पे हम ले लिए हैं गरम मसाले, आधी छोटी चम्मच से कम है, और आधी छोटी से चम्मच से कम है धनिया पाउडर। यहाँ पे हमने ले लिया आमचूर पाउडर, इससे खट्टा बनेगी भुजिया में, जो जैसे मार्केट वाले में रहते हैं ना, मार्केट वाली में बस वैसे ही रहेगी। और यहाँ पे 1 चम्मच ले लिए हैं चटपटी के लिए चाट मसाला, ऐसे बहुत ही चटपटी बनेगी। आपके पास कोई और मसाला हो, जैसे मैगी मसाला हो, कुछ पनीर मसाला हो, तो वो थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिएगा, उससे बहुत ही चटपटी बनेगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करिएगा, खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से देख रहे हैं ना, हमारा घोल जो है बन के तैयार हुआ है, तो पानी बिल्कुल भी हम यहाँ पे नहीं डाले हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे आपको पसंद है घी तो घी डाल लीजिएगा, इसे बहुत ही खस्ता बनेगी हमारी नमकीन। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इसको 1 मिनट के लिए खूब अच्छे से फेंट लीजिएगा, तक बहुत ही खस्ता बने। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जो हमारा घोल है ना बन के तैयार हो गया, चम्मच उठा के जो नीचे हम डाल रहे हैं ना, तो आराम से ये नीचे आ रहा है, जल्दी में नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से घोल यहाँ पे आप रखिएगा। यहाँ पे हमने ले लिए बिसलड़ी की बोतल, और ढक्कन में हमने पहले से छेद कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमने सुवा से गरम करके छेद कर लिए हैं, तो हम बोतल से बनाना बताएंगे आसान तरीके से। और यहाँ पे हमने दही का पैकेट 1 ले लिए हैं, तो जो हम बेसन का घोल भरेंगे ना बोतल में, तो डायरेक्टली ऐसे भरने में बहुत मुश्किल होगी, तो कोई भी पैकेट जो घर में हो आपके पास, जैसे नमक का पैकेट, तो हम यहाँ पे दही आए थे हमारे घर में, तो उसको पैकेट को हम धो के रख लिए थे, इसी में सारे घोल को हम लेंगे भर। और यहाँ पे हम इस को कट करेंगे, कोना से थोड़ा सा कट कर लीजिएगा चाकू से, तो आपके पास कैंची हो तो उसे आसान तरीके से हो जाएगी, बट मेरे पास नहीं है तो हम चाकू से ही कट कर रहे हैं। और जिस साइड से हमने कट किए थे उस साइड से हम बोतल में डाल देंगे, और इस तरीके से दबाएंगे ना, तो ये देखिए जो बेसन का घोल है नीचे बोतल में जा रहा है आराम से। अब यहाँ पे हमने बोतल में भर ली है बेसन की घोल को, और ढक्कन बंद कर देंगे। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पे हम तेल पहले से गर्म होने के लिए रखे थे, थोड़ा सा बेसन डाल के देखेंगे कि तेल हमारा गर्म हो गया कि नहीं। तो बेसन जैसे डालेंगे ना, बेसन जैसे ऊपर आ जाए ना, समझ लीजिए कि तेल हमारा खूब अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस को यहाँ पे हाई रखिएगा, जब हम भुजिया डाल रहे हैं तो इस तरीके से घुमाइए, हल्के हाथों से दबाइए, आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से मशीन की तरह निकल रहा है ना, जैसे लग रहा है मशीन चला रहे हैं, मशीन से बना रहे हैं। अब इसको हम हल्का सा सिकने देंगे नीचे से। अब इसको क्या करिए, गैस को मीडियम करके सेकिएगा, ताकि जले ना, बस जिस टाइम में डाले ना उस टाइम में आप गैस को हाई रखिएगा। अब यहाँ पे मीडियम करके इसको हम क्रिस्पी करके, यानी कि सुनहरा करके सेक लेंगे, तो कुछ यहाँ पे इस तरीके से सुनहरा करके हमने सेक लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे, तो इसी तरीके से सारे को बना लीजिएगा। एक बार मैं और दिखा देती हूँ डाल के आपको, ये देखिए कितना आसान तरीके से आप डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा,
इसे क्या होगा ना, एक दूसरे में चिपक जाएगी, इसलिए ज़्यादा नहीं डालिएगा। और यहाँ पे ये देखिए जो हमारा भुजिया है ना, कितना बढ़िया बना है, जैसे लग रहा है मार्केट वाली, ये देखिए। अब यहाँ पे सारे भुजिया जो हमने बना के तैयार कर लिए हैं, यहाँ पे हम ले लिए हैं साफ एक पेपर है, और आपके पास जो भी बड़ा बर्तन हो उसमें डाल के इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिएगा कुछ इस तरीके से। हाथ से देख रहे हैं, आसानी से टूट, ज़्यादा मत दबाइएगा, हल्के हाथों से इसको दबाएंगे ना तो ये छोटे छोटे पीसेस हो जाएगी, जैसे मार्केट में आती है ना, बस ऐसे ही पीसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं इसका, आवाज़ भी सुन लीजिए कितना ये क्रिस्पी बना है, कितना खस्ता बना, ये देखिए आवाज़ से आपको पता लग रहा है ना कितना बढ़िया ये क्रिस्पी बना है ना। अब मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए जैसे लग रहा है ना मार्केट वाली आलू भुजिया एकदम पैकेट में जो मिलती है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको देखने से लग रहा है कि नहीं, तो आपके ऊपर है, आप बताएंगे तो मेरे को भी लगेगा हाँ सच में मैं अच्छी बनाई। एंजॉय करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए सबको दिल से थैंक यू, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।